my name is muskan and you are watching knowledge is code so today in this video we will see gis key approaches to study gis so there are mainly three approaches to study gis uh, which we discuss in this video so first we will see gis as an academic discipline how gis get evolved as a discipline as an academic discipline and then information technology स्पेशल डाटा इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशन को जो है हम इसकी देखेंगे सो गाइज बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आव फॉरवर्ड टू हिट दाइक सो लेट अस बिगिन सो फर्स्टली अस सी वॉट इज़ जे आई एस द जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंग डिसप्लिन नेमली जोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सो जो जे आई एस है वो दो चीज़ों को दो अलग अलग जो है डिसिप्लिन को जो है वो कंबाइन करता है वन इज़ योर जोग्रफ़ी एंड अदर वन इज़ योर इंफॉर्मेशन सिस्टम सो पहले हम देखेंगे कि जोग्रफी जोग्रफी होता क्या है जोग्रफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न एंड प्रोसेस इट्स टू आइडेंटिफाई एंड अकाउंट फॉर लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फिनमिना ऑन दी ऑर सरफेस तो कहता है कि जो, जो जोग्राफी है वो साइंटिफिक स्टडी है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की आ की और पैटर्न्स की एंड प्रोसेसेस की यानी कि स्पेशली अर्थ फेस पे किस तरह का पैटर्न है कौन कौन से प्रोसेसेस ओवर द अर्थ होती है इनसाइड द अर्थ होती है ये स्टडी करता है आपका जोग्राफी सिक्स टू आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर लोकेशन ये देखता है कि किसी भी पर्टिकुलर फीचर की लोकेशन कहाँ है किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है मनुष्य का एंड फिजिकल फिनमिना ऑन दी अर्थ सरफेस किस तरह का है कहाँ माउंटेन्स है कहाँ प्लेट हुए क्यों है किस लिए है किस तरह से इवॉल्व हुए ये सारा का सारा काम जो है वो आपका जोग्रफ़ी का है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल हु नीड द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन एंड परफॉर्म एनालिसिस सो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक इंटरक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है यानी कि लोग होंगे दे विल इंटरेक्ट विद इच अदर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे ये कम्यूनिकेशन डिवाइस होंगे प्रोसीजर्स होंगे कि आपको किस तरह से वट आर द पॉलिस आप किस तरह से चीज़ों को करेंगे एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि इट प्रोवाइड यू कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होता है डिसीजनस के लिए तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ नथिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ योर कंप्यूटर इज़ योर पीपल एवरी थिंग जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है राइट नाओ आई थि आई होप कि आपको जी आई एस का ये लिटिल बिग मीनिंग पता लग गया होगा जोग्राफी प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम आप इसमें डीप भी जा सकते हैं यू कैन गो थ्रू मल्टीपल बुक्स आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में सो so, अभी के लिए मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है क्योंकि स्लाइड्स में वी कान राइट एवरी थिंग ये काफ़ी शॉर्ट होती है तो आपको अगर डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है सब्जेक्ट की सो प्लीज़ रीड बुक्स वो आपकी इनसाइट्स को खोलेंगी आप उन्हें रीड कीजिएगा ज़रूर बट

सॉरी जो जी आई एस है वो एक तरह का जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है प्रोसीजर है देर डिज़ाइन टू सपोर्ट कैप्चर करता है वो डाटा मैनेज करता है डाटा को मैन्यूपुलेट भी करता है मोडिफिकेशन करता है उसको मॉडलिंग करता है और डिस्प्ले भी करता है स्पेशली डाटा को जो स्पेशली रेफरेंस डाटा होता है स्पेशली रेफरेंस डाटा मतलब जिसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो लोकेशन हो असाइन उसमें हुई हो रट right? फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एंड मैजनेजमेंट प्रॉब्लम अब ये जो, जो ये सही डाटा करता क्या है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर आपको किसी जगह की प्लानिंग करनी है किसी एक सिटी की प्लानिंग करनी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो उस एरिया है कहाँ उसकी लोकेशन है क्या वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है राइट right? उसी तरह से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे जब आप उस एरिया के बारे में जानोगे उसकी लोकेशन के बारे में जानोगे उसके फीचर्स के बारे में जानोगे तब आप वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेक्निक अपना सकते हो ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग सिस्टम इंडिया में वर्क करेगा वो यू में वर्क करेगा और जो यू में वर्क करेगा वो इंडिया में वर्क करेगा है ना विद इन विलेज विद इन डिस्ट्रिक्ट विद इन स्टेट भी ऐसा नहीं होता है दे आर द डिफरेंट चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती है हर जो है आपके एरिया में ना अब आप दूसरी डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जोलॉजिकल सर्वे यू एस के अकॉर्डिंग जे एक कंप्यूटर सिस्टम है ये कहता है कि जे एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कैपेबल है ऑफ़ असम्बलिंग असम्बल करता है मैन्यूपुलेट करता है यानी कि मॉडिफाई करता है डिस्प्ले करता है यानी कि दिखाता है किस जोग्राफिकली रेफरेंस्ड डाटा को सिस्टम नहीं आएगा सॉरी हाँ जोग्राफिकली रेफरेंस्ड डाटा या सिस्टम भी कह सकते आप ठीक है यानी कि जिनमें असाइन हो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उस डाटा को दिखाता है व्हाट मेक्स जी आई एस डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर सिस्टम इज़ योर दिस यूनिक जो क्वालिटी है जी की वो है आपका uh, रियल वर्ल्ड जो हम असाइन करते हैं कॉर्डिनेट किसी भी लोकेशन uh, की नाउ कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू पी ए बराओ जी एक पावरफुल जो है सेट ऑफ़ टूल्स हैं ये कहते हैं कि जय इस पावरफुल सेट ऑफ टूल है काई के लिए फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग रिडायरेक्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग स्पेशल डाटा फ्रॉम रियल वर्ल्ड फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्पस अब कहते हैं कि जयस एक पावरफुल सेट ऑफ टूल है जो कि कलेक्ट करता है स्टोर करता है रिडायरेक्ट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है और डिस्प्ले करता है दिखाता है स्पेशल डाटा को रियल वर्ल्ड में से राइट फॉर आर पर्टिकुलर सेटअप पर्पज़ के लिए वो पर्पज़ कोई भी हो सकता है रिसर्च हो सकती है प्लानिंग हो सकती है कुछ और हो सकता है नाओ सीधे हिस्ट्री वैसे तो हिस्ट्री मैंने लिटिल बिट आपको कॉम्पोनेंट्स में भी बताई थी द सेम थिंग आई विल आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो कॉम्पोनेंट्स ऑफ जी आई एस क्योंकि कॉम्पोनेंट ऑफ जी आई एस जानना भी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सो नाउ स्पेशल एनालिसिस कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जे में तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि 1832 में चार पिक्विट आप यहाँ पर देखते हैं कि चार्ल बिक्विट उन्होंने एक क्रिएट किया मैप जो कि रिप्रेजेंट करता था क्लोरिया के आउटब्रेक को एकरॉस पैरिस तो ये पहला स्पेशल एनालिसिस था कि कभी स्पेस को देखा उन्होंने फिर बताया कि अच्छा इन इन एरिया में जो है फैला है क्यों फैला है देन ही गिव द रीज़न तो स्पेशल एनालिसिस वहाँ से स्टार्ट हुआ फिर जॉन्ग जो, जो स्नो है उन्होंने क्लोरिया को अब उसी तरह से जो है स्पेशली रिप्रेजेंट किया लंदन में 1854 में देन रॉजर टामसन ने 1963 सिक्सटी थ्री में क्रिएट किया पहला कंप्यूटराइज जीआईएस आई एस इन द वर्ल्ड और उनको फादर ऑफ जीआईएस आई एस भी कहा जाता है रोजर टॉमलिनसन को मैंने आपको कॉम्पोनेंट ऑफ जीआईएस आई एस जब करवाया था तो उसमें दिखाया था मैंने आपको रॉजर टामसन को कि ये हैं ये इस ही वॉज दी इज़ दी कनेडियन जोग्राफर है ना देन हार्वर्ड फिशर क्रिएटेड फर्स्ट कंप्यूटर मैपिंग सॉफ्टवेयर उसके बाद हारवर्ड फिशर ने क्रिएट किया पहला कंप्यूटर मैपिंग सॉफ्टवेयर फिर इसरी नाइनटीन सिक्सटी नाइन में फाउंड की जैक डेंजरमन ने एंड हिज़ वाइफ लौरा ने राइट देन दे स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग लैंड यूजर प्लानर एंड लैंड रिसोर्स मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन फिर इसरी के जो फाउंडर थे जैक डेंजरमेंट एंड उनकी जो वाइफ थी लॉरा उन्होंने जो है दूसरे लोगों को भी फैसिलिटेट करना स्टार्ट किया उनको सर्विसेज अपनी देनी स्टार्ट करी ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके राइट right? देन उसके बाद क्या हुआ जैसे जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो ज़्यादा पावरफुल बना हमें हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया इसी ने भी अपनी जो सॉफ्टवेयर टूल है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट किया राइट right? दैन इसरी वर्क गेंड रिकोगोगनाइजेशन फ्राम द एडमिक कम्युनिटी एज अ न्यू वे ऑफ डूइंग स्पेशल एनालिसिस एंड प्लानिंग दैन इसरी को जो है एक आइडेंटिफिकेशन मिला एक रिकोगनाइजेशन मिला एकेडमिक कम्युनिटी में कि वो नए तरीके से किस तरह से स्पेशल एनालिसिस एंड प्लानिंग कर सकते हैं राइट फिर इसरी ने क्या किया इसरी डिवेल्प आट इन फर्स्ट कमर्शियल जे आई एस प्रोडक्ट एंड रिलीज इन नाइनटीन एटी वन एंड बिगन द एवोल्यूशन ऑफ इसरी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी फिर क्या हुआ कि इसरी इस ने डेवलप किया आर्क इन्फो कमर्शियल जो जी सॉफ्टवेयर है और उन्नीस में इसने इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में अब काम करने लगी राइट सो so, ये लिटिल बिट आपकी हिस्ट्री है फिर आप आगे देखेंगे कि जो जी है वो एकेडमिक्स में आया आपके यूनिवर्सिटीज़ में आपके ग्रेजुएट कोर्सेज में भी है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी है देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स इसका अलग से एक डिग्री कोर्सेज़ है अब, अब तो बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है दे आर इन दिस फील्ड तो जो जी का जो प्रजेंट टाइम में जो इम्पोटेंस है दैट इज़ यू नो इंक्रीजिंग मोर एंड मोर सो so, इस तरह का फिर जो है जे आई एस का एवल्यूशन हुआ ना अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं सो so वो है हमारा अप्रोच टू स्टडी जे देखो द इंट्रोडक्शन ऑफ जे आई एस इन द एकेडमिक करिकुलम नॉट ओनली मीन्स द एडिशन ऑफ न्यू कोर्सेज ऑफ स्टडी टू डिग्री प्रोग्राम इट आल्सो रिप्रेजेंट अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट जोग्राफिक डाटा अप्रोच टू स्टडी जे आई पहली जो अप्रोच हम देखेंगे वो है हमारी एकेडमिक अप्रोच राइट सब so, इसमें बता रहा है कि जो जी है जो इंट्रोड्यूस हुआ एकेडमिक करिकुलम में वो एक डिग्री की तरह नहीं हुआ कि जस्ट अ कोर्स आपने दे दिया कि एक डिग्री के लिए नो no, एक ही नया तरीका है जोग्राफिक डाटा को देखने का कार्टोग्राफी से बिल्कुल अलग राइट अनटिल नाइनटीन नाइन्टीज़ जे एस को स्टॉट मोस्टली एट यू जी लेवल बट सिंस दैन मैनी यूनिवर्सिटी स्टार्टड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इन बोथ यू जी एंड पी जी लेवल उन्नीस सौ नब्बे के दर्शक तक क्या होता था कि यू जी लेवल तक ही जी आई एस करवाया जाता था बट उसके बाद जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपना यू जी पी जी लेवल के जो प्रोग्राम है स्पेशल प्रोग्राम उनको इंट्रोड्यूस किया जे इस कोर्स being offered ऑफर्ड community colleges and एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अब देखिए जी आई एस की रेलिवेंस कितनी ज़्यादा है प्रजेंट टाइम में इसको देखते हुए फिर बहुत सारी जो कम्युनिटी कॉलेज हैं पब्लिक प्राइवेट सारी जो कॉलेज हैं या फिर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं या फिर अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जी आई एस के डिप्लोमा कोर्सेज उन्होंने जो है वो ऑफ़र करना स्टार्ट कर दी देन जे आई एस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन अगर हम बात करें सो so बिफोर 1980 एटी जे एस वॉज़ फाउंड ओनली इन स्मॉल नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ 1980 से पहले जो जी आई एस है वो बहुत ही छोटे नंबर में गवर्नमेंट एजेंसीज़ में था और यूनिवर्सिटीज़ में था बट टूडे जी आई एस इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्राफी टॉट इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है कि जो जी आई एस है वो अब जो है एज अ मास्टर कोर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है एज अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स अलग से यू और पीजी लेवल पे अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सो so अभी आप देखेंगे इसमें कि इस फ्लो चार्ट में जो जीआईएस है वो कौन कौन से आ, मतलब सब्जेक्ट में डिसिप्लिन के साथ जो है वो यूज़ हो रहा है यू कैन सी एन्वायरमेंटल साइंस में जो है जी का यूज़ हो रहा है प्लानिंग के लिए राइट right? इन्वामेंट को किस तरह से कंजर्व कर सके किसी भी फॉरेस्ट एरिया को डिमार्केट करने के लिए कंप्यूटर साइंस में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है एकेडमिक्स में मैं बात कर रही हूँ राइट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में अर्बन रीजन प्लानिंग में जियोमेटिक्स में और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन तो जो है इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन एकेडमिक्स में जब हम बात करते हैं तो मेनली जो है ये मेजर हैं जो मैंने आपको बताया देन एवोल्यूशन ऑफ जी अगर हम देखें तो 1960 से 1980 पहले गवर्नमेंट ही इसको यूज़ करती थी राइट right? गवर्नमेंट ही आप देखेंगे गवर्नमेंट का ही है फिर नाइनटीन में यूनिवर्सिटीज़ आ गई नाइनटीन और मिड नाइन्टीन तक यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स में आना स्टार्ट हो गया एवोल्यूशन आप देखिए मिलिट्री के लिए यूज़ होता था उस वक्त आप 1960 से 1980 तक देखिए कहाँ हो यूज़ होता था केवल तीन फील्ड में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड मिलिट्री ये वॉर वगैरह के लिए यूज़ होता था मिलिट्री में यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट में अब देखिए यहाँ पे 1980 है सॉरी ये और नाइन्टी ये वन यहाँ आएगा है ना पीछे लग गया सो इसमें बिज़नेस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया चौथा जो है वो फील्ड नाइनटीन में फिर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें और जो है जनरल पब्लिक जो है यूज़ करने लग गई है ना अब तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है रिसेंट टाइम में तो आप इस तरह से देख सकते हैं एवोल्यूशन जो है किस तरह का से हुआ है जीआईएस का एकेडमिक्स में पहले गवर्नमेंट यूज़ करती थी यूनिवर्सिटी और मिलिट्री फिर क्या बिज़नेस वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया अब क्या है कि जो डिफरेंट कंपनीज़ है दे आर गिविंग डाटा टू अनदर दीज पीपल जो प्लानिंग करते हैं उनके लिए वो काम करते हैं स्पेशली राइट दैट फिर जनरल पब्लिक जो है इसको यूज़ करने लगे नाइनटीन नाइन्टीज़ के बाद एज प्रेजेंट टाइम तक तो इस तरह से जो है एवोल्यूशन हुआ है जी आई एस सो नाउ लेटेस्ट सी अबाउट दी जी आई एस एज अ ब्रांच ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने जी आई एस एज एन एक्डमिक डिसिप्लिन तो देख लिया अब हम एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे देखें आई हैड गिवन यू पीपल ओनली अ ब्रीफ आइडिया वट कैन कम्स आंडर एकेडमिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड योर जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जी आई एस वाला और इसके सोसाइटियल इम्प्लिकेशन इफ़ यू पीपल वॉन्ट टू गो थॉरली एंड डीप तो मतलब दे आर द मल्टीपल बुक्स हैं जी आई एस की जैसे सी पी लो की एक बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं या तो फिर कोई दूसरी बुक्स हैं आप उनको देखिए उनको एक्सप्लोर कीजिए जो कॉन्टेंट आपको यहाँ पर स्लाइड पर रिप्रजेंट किया जा रहा है उस पर आप मतलब डिपेंडेंट ना रहें अगर आप इसमें और चाहते हैं तो आप प्लीज़ बुक्स को देखें रेफर करें जो आपको कंटेंट किसी भी स्लाइड में दिया जाता है वो बिल्कुल सफिशेंट नहीं होता है इट्स वी कैन जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया इसमें क्योंकि हम सारा कुछ तो स्लाइड में नहीं लिख सकते हैं ना अदरवाइज़ इट बिकम वेरी बल्की और काफ़ी लेंथी हो जाएगा सो आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड सी सीधी रैपिड

पब्लिक सेक्टर में बिजनेस में है ना देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जो पीपल है वो टेक्निकल स्किल्स उनको आए जी आई एस में राइट देन लीड टू अस्टाब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल ओरिएंटेड जी आई एस प्रोग्राम्स इन कम्युनिटी कॉलेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इस डिमांड की वजह से जो है जो जी आई एस प्रोग्राम्स है कम्युनिटी कॉलेज में और वोकेशनल ट्रेनिंग में वो जो है वो इस्टाब्लिश हुए है. देन जी आई एस एज़ अ ब्रांच ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसका रिलेशन किन के साथ है आदर्स कार्टोग्राफी के साथ जी आई एस टेक्स इंफॉर्मेशन फ्राम कार्टोग्राफी फ्राम रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की हेल्प से फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसपे तो रन करता है जे आई सॉफ्टवेयर है ना सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोडिंग एंड ऑल दिस तो जी आई एस का इन सभी के साथ एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेशन है नाउ जे आई एस एज स्पेशल डाटा इंस्टीट्यूशन एंड इट्स सोसाइटियल इम्प्लीकेशन जे आई एस हेज़ बीन डेवलप्ड एज अ टेक्निकल टूल फॉर जोग्राफी की इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एज द यूज़ ऑफ जे एस इंक्रीज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बिकमिंग इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि जो ई एस है वो एक टेक्निकल टूल की तरह जो है जोग्राफी इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस करता है और एनालाइज करता है राइट एक नए वे में दिखाता है लोकेशन बता रहा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इट कैन गिव यू अबाउट लोकेशन डिजिटल ये में दे रहा है आपको राइट जी पी एस वो इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है सो एज यूज़ ऑफ़ जी आई एस इंक्रीज हो रहा है जैसे यूज़ जी आई एस का इसके जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो भी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं अब देखेंगे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं जी आई एस इज़ नो लॉन्गस्ट इन एज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर, आप इसको ब्रांच नहीं देख सकते क्यूएबल और केवल की जेएस एस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आप ऐसा नहीं देख सकते राइट बट ऑल्सो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डाटा बट अब है क्या जी आई एस जो है अब लोग क्या कर रहे हैं दे आर बिल्डिंग मैनी कोर्सेज ऑन जी आई एस और दे आर कलेक्टिंग डाटा एंड प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू मैनी कंपनीज है ना अब जो जी है जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डाटा मैनेजमेंट दैट मस्ट वर्क विद इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड कल्चरल एंड लीगल स्ट्रक्चर कि जी वो एक ऐसा नहीं रह गया कि केवल और केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसा कि आपने गूगल में सर्च किया फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ जी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई जी वैसा नहीं है जी को क्या है एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स लिमिट जो कि वो क्रॉस नहीं कर सकता इट हैज़ टू वर्क अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन उसी जरूर पर जी आई एस है लीगल स्ट्रक्चर के अंदर इसको क्रॉस नहीं करना होता अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चीज़ें जो कल्चरल चीज़ें आप मतलब देर आर सर्टिन प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ है ना हाउ यू कैन यूज़ जी आई एस ऐसा नहीं आपने किसी की गलत आ, किसी की गलत ये के लिए यूज़ कर लिया वेलफेयर के लिए यूज़ करना है जी आई एस को राइट ताकि सोसाइटी को जो है वो इससे बेनिफिट हो नाओ सोसाइटल इम्प्लीकेशन ऑफ जी एस अगर आप देखें तो लोकेशन आपको लोकेशन बताता है किसी भी फ्यूचर की ओवर दिया सर्फिस आपकी लोकेशन आपके घर की लोकेशन नदी की लोकेशन आपके खेत की लोकेशन है ना डिलीवरी ऑफ गुड्स आपके घर सामान आता है डिलीवरी आती है कोई भी जोमेटो से आ गया या फिर कोई दूसरी जो है कंपनी से आ गया तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एमजोन एंड ऑल दिस है ना ये भी जी आई एस का ही पार्ट है रोड नेटवर्किंग रोड किस तरह से इंटरकनेक्टेड है कहाँ से आपने राइट right लेना है कहाँ से लेफ्ट लेना है कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है कितना कवर करने को रहा है सो so ये सारी देखो सोसाइटील इंप्लीकेशन ऑफ जी में यानी कि सोसाइटी का क्या यूज़ है किस तरह से यूज़ करते हैं हेल्थ केयर मोनिटरिंग के लिए जी का यूज़ हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोकेशन ऑफ मेजर बिजनेस एंड प्राइमरी सोर्स डिमांड जैसे रिसोर्सेज हैं कहाँ पे कौन से रिसोर्स है उसकी लोकेशन को पता करने के लिए राइट right? उस एरिया की क्या डिमांड है, है किस तरह से उसको डिवेलप किया जा सकता है तो ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जे आई एस हाउसिंग इन्वेंट्री ऑफ हाउसिंग स्टॉक एज कंडीशन स्टेटस पब्लिक प्राइवेट तो हाउसिंग का पता लगेगा कि प्राइवेट है पब्लिक है किस तरह का है कहाँ पे है राइट ऑल दिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी आप जे आई एस को यूज़ कर सकते हैं जैसे ट्रैफ़िक में यूज़ कर सकते हैं ट्रैफ़िक रूल जो है लोग फॉलो करें और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशनस हैं सो एवरी वन दीज आर द्री अप्रोचेज ऑफ जे आई एस बहुत ही ज़्यादा डीपली एंड थॉरली नहीं था इट्स जस्ट आ शॉर्ट कि आपको पता लगे कि इसके अंडर क्या क्या आएगा और भी आप चीज़ में जो है वो in, uh, इंक्लूड कर सकते हैं सो फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ डोंट फॉर्ग टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर